पहले ही कहा था कि मेरे पिताजी की जो हत्या हुई है स्पष्ट है राजनीतिक वर्चस्व की वजह से हुई है, और उसमें राष्ट्रीय जनता दल के जो मैंने उसमें निमंत्रित दिया है उसमें मुझे पूरा ये है कि बिहार स्तर से लेकर जिला स्तर पंचायत स्तर से अगर इस पर प्रशासन अगर कार्य करेगी तो कहीं ना कहीं अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी हो सकती है। एक्चुअली मेरे पिताजी 2022 में उपचुनाव लड़े थे और गोपालगंज नहीं पूरे बिहार में एक मुखिया के नाम पे सबसे चर्चित इनका चेहरा सामने आया था, और जिसमें राजद को मेरे तो देखने से नहीं लेकिन राजद कहीं ना कहीं उसमें हार हुई थी। तो मुझे इस चीज़ को लेकर शंका है कि राजद देखिए धमकी के बारे में तो हम नहीं बता सकते, मेरे पिताजी तो रहे नहीं दुनिया में कि इस चीज़ को स्पष्ट कर पाए, लेकिन मुझे आशंका इसलिए है ताकि मैं बहुत ही करीब से पिताजी के रहा और सब चीज़ों को वाच किया, तो जहाँ तक मेरी समझ है कि पंचायत स्तर जिला स्तर राज्य स्तर बड़े से बड़े नेताओं की इसमें हाथ हो सकती है, इसमें नकारा नहीं जा सकता। राजद कोई भी राजद बीजेपी जदयू किसी का भी हो सकता है, नहीं नेताओं का है मुखियाओं का है, इसमें तो साजिशकर्ता में इन लोगों का हाथ है। देखिए कुछ किसी घर घटना होती है तो उस संतुलन में उस व्यक्ति नहीं रहता, मैं अभी भी बोलने के सक्षम नहीं हूँ ना मैं कुछ बोल पा रहा हूँ सही से, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ को ओपनली मीडिया के वेश वक्ता के द्वारा बताया जा सकता, बहुत सारी चीज़ होती है जो अनुसंधान और प्रशासन की कार्रवाई की होती है, अनुसंधान में आएगा सामने जो होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।